हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे सिस्टम आर्किटेक्चर ऑफ द हुआवे BTS 3900। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे BTS 3900 क्या है और हम लोग इसको किस लिए यूज करते हैं, ये कौन सा टेक्नोलॉजी के लिए यूज होता है और इस में क्या कंपोनेंट होता है, क्या हार्डवेयर हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं और इसका मतलब कनेक्शन कैसे होता है। अभी कनेक्शन के तो बारे में नहीं, मतलब सिर्फ हम जानेंगे कि इंटरनली मतलब कैसे हम लोग पावर देते हैं उसमें, ठीक है। तो ये सब चीज़ जानेंगे। और दोस्तों, ये जो वीडियो आपके लिए रहेगा, आपका इंटरव्यू के लिए रहेगा, क्योंकि मैं इसमें बेसिक चीज़ें बताने के लिए जा रहा हूँ, तो इसे आप आंसर क्वेश्चन भी तैयार कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। और हाँ, अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। BTS 3900 ये इंडोर माइक्रो कैबिनेट है दोस्तों, ठीक है। और इसी तरह के मतलब सेम आपका आउटडोर कैबिनेट भी रहता है। तो ये मतलब ये जो है आपका इंडोर माइक्रो कैबिनेट है, मैं आउटडोर कैबिनेट का भी मैंने इसमें मैंने डाला है, सिर्फ इमेज डाला है, तो आप उसमें देख सकते हैं। और ये इंडोर माइक्रो कैबिनेट में ही हम BBU 3900 इंस्टॉल करते हैं और DRF इंस्टॉल करते हैं। BBU 3900 पता है आपको क्या होता है? BBU मतलब होता है बेसमेंट यूनिट। आपका ये जो BBU 3900 ये आपका बेसमेंट है, ठीक है। ये 2G BTS है आपका, इसी में आपको लॉग इन करना है, ट्रबल शूटिंग करना है, कमिश्निंग सॉफ्टवेयर अपडेट सब इसी में करना है। आपका DRFU हो गया, डबल रेडियो फिल्टर यूनिट हो गया, मतलब डायप्लेक्सर का जैसा ही होता है। इसमें जो भी मतलब टावर से आपका या GSM से जो भी आपका फीडर और जम्फर आ रहा है, मतलब वो आपको DRFU में ही कनेक्ट करना है, ठीक है। इसमें दो पोर्ट रहता है, TX और RX का, ये कनेक्ट करते हैं। इसमें ये देखिए आपका हो गया इंडोर माइक्रो कैबिनेट, ठीक है। ये आपका DRFU हो गया, ये पूरा आपका फुल हो गया इंडोर माइक्रो कैबिनेट। और यहाँ पे हम लोग BBU इंस्टॉल करते हैं अपना BBU 3900। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप आंसर क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं इंटरव्यू के लिए, तो आप देखिए यहाँ पे कर लीजिए कि हम लोग BBU इंस्टॉल करते हैं, 1 नंबर BBU इंस्टॉल बी कैन इंस्टॉल इन द इंडोर माइक्रो कैबिनेट, आई मीन BTS 3900। और हम लोग 6 नंबर इसमें DRFU इंस्टॉल करता है, मतलब अगर काउंट करना है तो आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। ओके, DRFU में 6 नंबर DRFU इंस्टॉल करते हैं। और DRFU हैज टू कैरियर, आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 एंड 2, ठीक है। यहाँ पे दो पोर्ट है इसका, और इसके बारे में हम भी जानेंगे, चलिए देखते हैं वीडियो में। ये जो है आपका, इसका जो केबल कनेक्शन कैसे होता है, BTS 3900 में जो केबल कनेक्शन कैसे होता है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग जो केबल यूज करते हैं वो पावर केबल रहता है, सिग्नल केबल रहता है, ट्रांसमिशन केबल रहता है, RF केबल हो गया आपका, जो हम DRFU में कनेक्ट करते हैं। तो अगर हमको DRFU को पावर देना रहता है, तो ये जो देख रहे हैं यहाँ पे स्विच है, ठीक है, यहाँ से केबल यहाँ और यहाँ पे देखिए आप कनेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह का हम कनेक्टर यहाँ पे हम यूज करते हैं, और यहाँ पे स्विच को जैसे ही ऑन करेंगे इसमें पावर आ जाएगा। इसी तरह BBU का भी होता है, BBU आई मीन होता है, BBU आई मीन BBU 3900 के लिए भी होता है, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बता रहा था कि इसमें हार्डवेयर हम लोग कौन कौन से इंस्टॉल कौन कौन सा हार्डवेयर इंस्टॉल करते हैं, इसमें कंपोनेंट क्या क्या होता है। BBU हो गया आपका जो बेसमेंट यूनिट है 3900, DRFU हो गया डबल रेडियम फिल्टर यूनिट हो गया, ये आपका हो गया DCDU, ये हो गया आपका, ठीक है, जो आपका मतलब पावर कनेक्शन होता है। GATM हो गया, ये हो गया आपका, GATM भी यहीं पर आता है आपका, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इसके GATM के बारे में। PMU हो गया, PSU हो गया, पावर सप्लाई यूनिट हो गया, फैन यूनिट हो गया। फैन यूनिट हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं, कूलिंग पर्पस के लिए। अगर फैन फैन नहीं इंस्टॉल करेंगे कैबिनेट में, अगर फैन मेरा नहीं रहेगा तो मेरा जितने भी इक्विपमेंट है वो टेम्परेचर के चलते फॉल्टी हो सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ध्यान दीजिएगा। अगर इंटरव्यू में पूछ सकता है हम फैन क्यों इंस्टॉल करते हैं, तो आप बोलिएगा कूलिंग पर्पस के लिए इंस्टॉल करते हैं हम BTS 3900 में। DRFU जैसे मैंने आपको बताया, डबल रेडियो फिल्टर यूनिट होता है, इसका दो कैरियर होता है, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। और ये देखिए, मैंने आपको जैसे बोला था कि मैंने आउटडोर के लिए भी मैंने आपको इसमें इमेज रखा है, तो ये आप देख सकते हैं, ये आपका आउटडोर कैबिनेट है, ठीक है। ये इंडोर है, आउटडोर है, इसका आउटडोर होता है, आप आउटडोर में इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। फंक्शन सेम ही होता है। अब BTS 3900 कैबिनेट टाइप इंडोर आउटडोर के अलावा भी इसका टाइप होता है, मतलब वो डिपेंड करता है पावर पे, मतलब क्या होता है। देखिए 48 वोल्ट DC का होता है जो कैबिनेट आप लगाते हैं, फिर प्लस 24 वोल्ट DC का होता है, फिर आपका हो गया 220 वोल्ट AC का हो गया,
तो ये तीन टाइप का होता है। 220 वोल्ट एसी है, तो एसी वाला तो पावर हम किसी को देते नहीं है टेलीकॉम इक्विपमेंट में, हम लोग फिर एसी को हम डीसी में ही कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसमें हुआवे BTS 3900 में पावर देते हैं। और कुछ जान लेते हैं दोस्तों, चलिए कुछ जानते हैं और। हाँ, जैसे कि आपको DRFU के बारे में बता दिया, DCDU के बता दिया, GTM का जिसे मैंने बोला GSM एंटीना TMA कंट्रोल मॉड्यूल होता है, GSM एंटीना एंड TMA कंट्रोल मॉड्यूल होता है, ठीक है। तो इस तरह के ये मतलब ये सब इस तरह का कंपोनेंट जो है आपका BTS 3990 में हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ से आप बहुत सा आंसर क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं, मतलब क्या क्या होता है, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं। अगर जब भी आप हुआवे में इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, भले ही आप 5G पे काम करने के लिए जा रहे हैं, 4G पे काम करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन वो आपको बेसिक टेस्ट करता है कि बेसिक आप क्या जानते हैं। आप जैसे ही बोलेगा मेरे पास आई एम हैविंग 5 ईयर्स एक्सपीरियंस इन टेलीकॉम सेक्टर ऑन हुआवे इक्विपमेंट, देन दे विल आस्क टू यू बेसिक क्वेश्चन कि मतलब आपके पास कितना नॉलेज है, आप अगर आप 5 ईयर्स एक्सपीरियंस बता रहे हैं तो। तो दोस्तों ये सब रहा आपका BTS 3900 के बारे में, कौन सा हार्डवेयर हम इंस्टॉल करते हैं और कहाँ पे क्या रहता है। और जैसे मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है दोस्तों, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइव कीजिए। अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ भी सकते हैं, ठीक है, किसी भी टेक्नोलॉजी के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।